तारीख है 5 मई 2022, समय हो गया 09:30 PM। मेरी बात सुनिए, देखिए अभी जो मैंने सैलरी से रिलेटेड बात कही है ना, तो उसमें आई एम वेरी मच क्लियर कि भारत के अंदर जो आपके ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, ठीक है, एंड दोज नो मी दैट आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, सैलरी उन्हीं की आ रही है, नेताओं का मैंने ठेका नहीं ले रखा, नेता समझे अपनी, पॉलिटिकल लीडर्स की कोई सैलरी नहीं है, और जो पेंशन आनी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एम्प्लॉयज की अभी 40% आएगी आपकी, और सैलरीज जो है विद इमीडिएट इफेक्ट आज से शुरू हो रही है इनकी सैलरी। मोदी ने क्या किया मुझे पता नहीं है। अभी जो आपने एक सवाल पूछा ना, जो आतंकवादी है इनको सैलरी नहीं मिलेगी, ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी यही कहता भाई सैलरी हाँ है मैडम, HRC से ले लो जाके सैलरी, ह्यूमन राइट्स कमीशन से ले लो जाके सैलरी, जमातु दावा लश्कर ए तैयबा ISIS हरकतुल अंसार, आप लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर जाके ले लो सैलरी, यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। मैं नहीं जानता मोदी वोदी की टीम को, साफ सीधी बात है, ये जो बिना UPSC पास किए हुए जो ISIPS बने फिर रहे हैं ना, मैं नहीं जानता इनको, इनकी नहीं आ रही सैलरी किसी की भी, कोई हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की आ रही है सैलरी विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है ना, सैलरी स्टार्ट है भाई साहब, नहीं तो आज कितनी तारीख हो गई, 5 हो गई ना, मई या अप्रैल की सैलरी मिल जाएगी आपको, अप्रैल की सैलरी ट्रांसफर करा दूंगा, वो देखेंगे कि कब से रुकी हुई है ना, वो देख लेंगे, फिलहाल ये तो चालू हो। अरे आप क्या बात कर रही है, पैसे की कोई कमी है मेरे पास, बस सिस्टम चालू दो ना, वो हम लोग एक बल्क अमाउंट सीधा सीधा साइन करके आपको डिमांड ड्राफ्ट पकड़ा देंगे इमीडिएटली, बस फटाफट सैलरी डन। ये पकड़ो भैया, नहीं BI सिस्टम वाले कर रहे हैं, वो बनाएंगे पूरा सिस्टम, हाँ हाँ लिख दिया भाई, पैसे की क्या कमी है यार मेरे पास, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लिख दिया भैया ना, आइए लो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी लिख दिया, HRC वगैरह सबको लिख दिया, सैलरी तो आके रहेगी, क्या बात कर दी यार, मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था, वन रैंक वन पेंशन के पे जब ये चालू हुआ था ना, हाँ ले ले जाके सैलरी जाओ मत, जिससे नहीं मैं पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हुई नहीं, वो सब ICJ में सब पता है, ICJ ILO को सब पता है, साफ सीधी सी बात है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेंशन 40% आनी शुरू हो जाएगी, 40% अप्रैल की 40% सैलरी पेंशन आ जाएगी आपके अकाउंट में जी, वो देखेंगे, मुझे नहीं पता ना इसने क्या ब्लंडर किया हुआ है, अब जब मैं आऊंगा सारे ऑर्डर्स देखूंगा उसके बाद जो है चालू करूंगा सब कुछ, देखता हूँ क्या कहेगा वो, जो आपकी मेहनत का पैसा बनता है, ठीक है, अच्छा पे कमीशन नहीं मिलेगा भैया, महंगाई भत्ता ये अत्ता भत्ता, जो मैं महंगाई ही कम करने वाला हूँ आप देखते रहो ना, आप इसी सैलरी में इतना एंजॉय करने वाले हो ना, हाँ जो पैसा बनता है वो देने की जिम्मेवारी मेरी है, वो मेरी जिम्मेवारी है सर, वो मेरी जिम्मेवारी है पैसा मेरे पास, मैंने अंदाजा लगाया था आप लोगों को जो है 28,000 करोड़ रुपया रुका हुआ है, आप चिंता छोड़ दो, समझ में ₹28,000 करोड़ है लगभग, तो मेरी जिम्मेवारी है, कुछ भी नहीं है मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये क्या बात हुई, वन रैंक वन पेंशन, चाहे मिलिट्री जनरल हो चाहे आपका कांस्टेबल हो, सबकी सैलरी एक ही है, पागल हो गया क्या तू,
वाह भाई वाह, अब अपने पैसे के हिसाब से एंजॉय कर रहा है। क्लास सिस्टम नहीं होता है, लग्जरी होती है। यस, लग्जरी वन, लग्जरी टू, लग्जरी थ्री, इस तरह से होता है। ये नहीं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तुम्हें यही नहीं पता अभी है? मुझे क्या लेना देना। सैलरी डिपार्टमेंट सीधा वर्ल्ड बैंक से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, सीधा वर्ल्ड बैंक से, इंडियन सैलरी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी डिपार्टमेंट, सेंट्रल CGSD, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल हो गया तो स्टेट हो जाएगा अपने आप। ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड, वो तो सेंट्रल लिख दिया तो लिख दिया। क्यों? अच्छा ये रोक लेगा आरबीआई वाला, आरबीआई रोक लेगा, आरबीआई रोक लेगा। अभी तो अभी शक्तिकांत दास को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ले। आरबीआई में आरबीआई की सैलरी नहीं आ रही है। शक्तिकांत दास की नहीं आएगी सैलरी, वो मैंने पहले कहा था पेशी रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है डिमोनेटाइजेशन पे? सर यू आर द गवर्नर, यू हैव टू आंसर। आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट करो, ICJ से मैं अपॉइंट करवाऊंगा। अभी तो रुक तो सही, तो रुक तो सही। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर मैं अपॉइंट करवाऊंगा अभी ICJ से। कितने दिन तक शक्तिकांत दास साहब, इतना इतनी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है मेरी इतनी नहीं बर्दाश्त करता मैं किसी की। इतनी नहीं बर्दाश्त करता मेरे लिए बाएं आता काम है चुटकी बजाते ही। अभी देखो तो सही, आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप चिंता मत करो, BI सिस्टम टेक ओवर करेगा आरबीआई। मुझे क्या पता क्या ब्लंडर करके बैठा हुआ ये, कौन कौन सा नए कानून उल जुलूल बना के बैठा हुआ। इसीलिए तो विद इमीडिएट इफेक्ट चालू करवाई है मैंने, इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट चालू होगी, चालू सैलरी। मतलब एक महीने की आपको मैं अप्रैल की दिलवा करके ऑफ कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या क्या ब्लंडर किया है। और फिर जब से आपकी रुकी हुई होगी ना सैलरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, जितनी बनती हो आपके डिमांड ड्राफ्ट तैयार हो जाएंगे, आप लोग उसको सबमिट करा लो बस। जो मुझे कोई परवाह नहीं है पैसा, अभी मेहनत किया आप लोगों ने यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे ना कौन कौन इन्वॉल्व है डिमोनेटाइजेशन में। बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दे करके बदमाशी दिखा रहा है, अच्छा जी और यहाँ और यहाँ बैठ करके यहाँ पे तफड़ी मारे हैं। अभी तो बताता हूँ ना मैं तुझे, रुक तो सही। केस ILO में लगेगा बेटा, बच के कहाँ जाएगा मोदी। तू नॉन गवर्निंग एक्ट है ये, तू देश नहीं चलाना चाह रहा था, तेरे सारे एक्ट नॉन गवर्निंग है, समझ में आई? वो देखना ICJ क्या तेरे को ग्रिल करेगा, तू देखता रह, तू देखता रह, तू अभी
इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जितना मेहनत करे उसको सैलरी नहीं मिलेगी, उसे पैसा नहीं मिलेगा। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी तूने। धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक एक मिनट का काम है सैलरी डिपार्टमेंट कनेक्ट करना। अभी फटाफट यहाँ से कोड भेजेंगे, कोड बाईपास मारेंगे, ले सिस्टम तैयार करके बैठेगा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बोलो क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग। मुझे परवाह होगी स्टेट? नहीं, वो छोड़ तू, बहुत उछल लिया तू मोदी, बहुत उछल लिया तू, बहुत उछल लिया तू। जूस चूहे ये मूसा है, मूसा जूस, मूसा मूसा बनना चाह रहा था ये मोदी। अब मैं मूसा मारने में बहुत माहिर हूँ। बहुत माहिर हूँ, बहुत। तुझे ही पता नहीं मेरे बारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कुछ कहा किसी को नहीं कहा ना। अब तो रुक तो सही, पता लगेगा तुम्हें कल सुबह तक। समझ में आई? इस रात की सुबह नहीं, कल आएगा ही नहीं कभी बेटा। मैंने कहा ना रात होने दो, उसके बाद बताऊंगा इनको। बहुत बहुत चल रहा था। शक्तिकांत दास लेके आ रहे आरबीआई में, शक्तिकांत दिखा रहे। ओहो हो हो, वाह अरे वाह, अरे वाह शक्तिकांत दास। अरे कदर लिया है पंगा तो रोता है क्या, मोदी आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना आसान नहीं है हमसे पंगा ले पाना। और पंगा लेकर बच जाना ये तो नामुमकिन है। मतलब एम्प्लॉयज को सैलरी ना दे के बंद करवा करके तो इनको मजबूर कर रहा है। अच्छा हम बताएंगे तुझे, यहाँ से खेल शुरू होता है। ठीक है, भागियो मत बस।